डिकॉयज। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सिटी में हैलोवीन की तैयारियां चल रही होती हैं। हम यहां एक लड़के को भी देखते हैं जो कि किसी के घर आया होता है, लेकिन जब वो एक घर में ट्रीट लेने जाता है तो उसे वहां दो आदमियों की डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो फ्रीज होने की वजह से मरे हैं। ये देखकर वो लड़का जोरों से चिल्लाने लगता है। अब सीन यहां से शिफ्ट होता है और हम एक कॉलेज को देखते हैं। कॉलेज में दो नए स्टूडेंट ल्यूक और रोजर को दिखाया जाता है। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं और एक ही रूम में रहते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि दोनों सिंगल हैं, यानी उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद दोनों ड्रिंक करते हुए डांस करने लगते हैं। जब ल्यूक अपने कमरे में अकेला होता है तभी उससे मिलने दो बहनें आती हैं, जिनके नाम लिली और कॉन्स्टेंस होते हैं। दोनों ल्यूक से इस तरह बातें करने लगती हैं जैसे वो उसे सीड्यूस करना चाहती हों। लिली उसे अपना रूम नंबर भी बता देती है और अपना एक सामान भी यहीं रखकर चली जाती है। अब ल्यूक उन्हें अगले दिन वाली पार्टी के लिए इनवाइट कर देता है जो कि कॉलेज में होने वाली थी। ल्यूक भी लिली को पसंद करने लगा था। इसके बाद वो उसी का रखा हुआ सामान लेकर उसके कमरे तक पहुँच जाता है। यहाँ आकर वो दरवाजे को खटखटाने लगता है, लेकिन दरवाजा खुला होता है। इस वजह से वो अंदर आ जाता है और उसका वो सामान वहीं पर रख देता है। अब वो लिली के कपड़ों को स्मेल करने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे पर उसे लिली और कॉन्स्टेंस आती हुई दिख जाती हैं, जिस वजह से जल्दी से अलमारी में ही छिप जाता है। दोनों कमरे के अंदर आती हैं और विंडो खोल देती हैं, जिससे काफी ठंडी हवाएं अंदर आने लगती हैं। ठंड की वजह से उन्हें काफी अच्छा लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगती हैं। अब ल्यूक अलमारी के अंदर से ये सब देख रहा था, तभी हम देखते हैं कि लिली के अंदर से अजीब टेंटिकल निकल रहे हैं और कॉन्स्टेंस लिली के टेंटिकल पर एक गैस स्प्रे कर रही है। स्प्रे करने की वजह से लिली को काफी अच्छा फील होता है और वो सेटिस्फाई फील करती है। ल्यूक ये सब देखकर हैरान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। खैर, वो दोनों अपनी फ्रेंड नताशा को देखने चली जाती हैं। अब ल्यूक अलमारी से बाहर आता है और देखता है कि स्प्रे वाली गैस नाइट्रोजन है। इसे देखकर वो और कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी ठंड में उन्हें नाइट्रोजन क्यों चाहिए। असल में नाइट्रोजन गैस बर्फ से ज्यादा ठंडी होती है और यह इंसान की बॉडी को फ्रीज भी कर सकती है, लेकिन इसका लिली की बॉडी पर कोई असर नहीं हुआ। अब ल्यूक को समझ आ जाता है कि ये दोनों कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन है। इसके बाद वो रोजर को सारी बात बताने लगता है, लेकिन रोजर को उसकी सारी बातें बकवास लगती हैं और वो अभी अभी कॉन्स्टेंस से मिलकर आया था, यानी कॉन्स्टेंस रोजर के पीछे पड़ी थी और लिली ल्यूक के। अगले दिन ल्यूक अपने दो और फ्रेंड गिवी और एलेक्स से मिलता है और उन्हें सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उस पर हंसने लगते हैं। अब रात में ल्यूक एलेक्स के साथ कॉलेज वाली पार्टी में जाता है। वहाँ वो देखती हैं कि लिली और कॉन्स्टेंस सबके साथ डांस एंजॉय कर रही हैं। लिली ल्यूक के पास आती है, उसे देखकर थोड़ा घबरा रहा था। लिली उसके साथ में डांस करने को कहती है, इसके बाद ल्यूक उसके साथ डांस करने चला जाता है। अब लिली यहाँ उसे डांस करने के बहाने भी सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और यहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। दूसरी तरफ रोजर भी कॉन्स्टेंस के साथ बिजी था, तभी एक लड़की अनाउंस करती है कि आज हॉकी टीम का कैप्टन बॉबी उनके साथ है, जो आज आइस क्वीन का नाम अनाउंस करने वाला है। अब बॉबी स्टेज पर आता है और वो लिली को आइस क्वीन घोषित करता है, लेकिन कॉन्स्टेंस को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती और वो रोजर को लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिली स्टेज पर जाकर काफी खुश होती है और बॉबी को किस भी करती है, जिसे देखकर ल्यूक को अच्छा नहीं लगता। खैर, बॉबी और लिली साथ में डांस करने लगते हैं और बॉबी ल्यूक की इंसल्ट भी करता है, जिससे ल्यूक को गुस्सा आ जाता है और वो बॉबी से लड़ने लगता है। लेकिन जब वो बॉबी को पंच मारता है तो गलती से एक लड़की को लग जाता है। इसके बाद बॉबी उसके पेट में काफी पंच मारने लगता है, जिस पर ल्यूक गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इधर एलेक्स ल्यूक के पीछे जाती है और उसे शांत कराती है, जहाँ वो उसे ड्राइव पर चलने को कहता है। इस पर एलेक्स हाँ कर देती है और उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ जब रोजर वॉशरूम में होता है, वहाँ कॉन्स्टेंस आती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। वो यहाँ अपने कपड़े उतार कर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन रोजर उसे रोकता है और ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस को इतनी जल्दी एंजॉय नहीं करना चाहता था, जिस वजह से कॉन्स्टेंस उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ड्राइव पर जाते वक्त ल्यूक की कार खराब हो जाती है, जिसके बाद वो कार को ठीक करने लगता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जंगल में लिली बॉबी के साथ घूमने आई है और बाद में उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी लिली फिर से अपने अंदर से वो टेंटेकल निकालने लगती है। उनमें से एक टेंटेकल उसके मुंह में चला जाता है, इसकी वजह से वो तुरंत ही फ्रीज होकर मारा जाता है। अगली सुबह में ल्यूक जब सोकर उठता है तो मिलने डिटेक्टिव अमेंडा आती है, जो कि उसकी पुरानी दोस्त थी। खैर, उसे वो अपने साथ चलने को कहती हैं और उसे लेकर उसी लोकेशन पर आ जाती हैं जहां बॉबी की डेड बॉडी थी। तभी डिटेक्टिव फ्रांसिस ल्यूक को अपने साथ चलने को कहता है और उससे सारी बात पूछने लगता है।
कि उसने उसके साथ पार्टी में हाथापाई, क्योंकि लियो को उसे सब बात समझाने लगता है। लेकिन फ्रांसिस उसे पुलिस स्टेशन ले आता है। स्टेशन में लियो उसे लिली की सच्चाई बताने लगता है कि उसके अंदर से टेंटेकल निकलते हैं। लेकिन फ्रांसिस को लगता है कि शायद वो बचने के लिए ये सब झूठ बोल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांसिस बॉबी के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास जाता है और उसके मरने की वजह के बारे में पूछने लगता है। तब डॉक्टर बताता है कि इसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं है। इसका मतलब था कि इसकी मौत मारपीट से नहीं हुई है। आगे डॉक्टर बताता है कि इसका शरीर अंदर से बाहर की तरफ फ्रीज हुआ है और इस तरह की कंडीशन उसने पहली बार देखी है। शायद किसी ने बॉबी के अंदर कोई चीज डालकर उसे अंदर से फ्रीज किया है। डॉक्टर की बातें सुनकर फ्रांसिस ल्यूक को घर जाने देता है, लेकिन उसे उस पर अभी भी शक था। ल्यूक को भी लिली पर शक था, जिस वजह से वो बॉबी की डेड बॉडी को चेक करने जाता है। लेकिन तभी यहाँ एक डॉक्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो टेबल के नीचे छिप जाता है। इसी बीच बॉडी से टकराने की वजह से बॉबी के हाथ टूट जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी पूरी तरह बर्फ की तरह जमी हुई थी। खैर, जब डॉक्टर वहाँ से जाता है तो ल्यूक डॉक्टर के बनाए हुए डिजाइन को देखकर समझ जाता है कि लिली ने बॉबी को किस तरह से मारा होगा। अब रात में ल्यूक अपने दोस्तों को फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। गिबी और रॉजर उसकी बातों को फालतू समझकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो सब पार्टी में आकर देखते हैं कि वहाँ लिली भी आई है। ल्यूक एलेक्स से मदद करने को कहता है, इससे वो लिली की सच्चाई सबके सामने ले आए। अब वो डिसाइड करता है कि वो कैमरा को अपने कमरे में लगा लेगा और लिली का असली रूप सबके सामने आ जाएगा। वो ऐसा ही करते हैं और ल्यूक अपने कमरे में कैमरा लगा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिबी कॉन्स्टेंस के साथ एंजॉय करने बाहर चला जाता है। वो उसे लेकर एक कब्रिस्तान में आ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से भी लिली की तरह टेंटिकल निकलते हैं और बाद में कॉन्स्टेंस गिबी के मुंह में एक टेंटिकल धंसाकर उसे भी फ्रीज करके मार देती है। इसके बाद वो पार्टी में आकर सबके सामने अजीब तरह से बर्फ को चाटती हुई ड्रिंक करने लगती है। इसे देखकर सब काफी हैरान होते हैं। इसके बाद सब लड़कियां अपना शो दिखाने लगती हैं। इसी बीच ल्यूक देखता है कि लिली आग से डर रही है। इसका मतलब है कि उसकी कमजोरी आग है। खैर, इस शो में भी लिली को ही फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। वो यहाँ बॉबी को याद करती है और सबके सामने ये दिखाती है कि वो बॉबी से ही प्यार करती थी। इसके बाद ल्यूक उसके पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। इस पर लिली उसे लेकर बाहर आ जाती है। यहाँ वो उसे बताती है कि उसकी बहन कॉन्स्टेंस उसे जलती है। वो आगे उसे बताती है कि इस वक्त वो इस दुनिया में अकेली है, लेकिन ल्यूक उससे कहता है कि वो अब अकेली नहीं है। फिर वो उसे अपने कमरे में ले आता है, जहाँ वो एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स उन्हें अपने कमरे में बैठकर कैमरे के जरिए देख रही थी। उसे ये सब देखते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ल्यूक से प्यार करती थी। खैर, इधर कमरे में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी लिली की नजर कैमरे पर चली जाती है और वो अपनी पावर से कैमरा ऑफ कर देती है। इसके बाद वो अपने अंदर से टेंटिकल निकाल लेती है। उसके टेंटिकल की वजह से कमरे में रखी कैंडल नीचे गिर जाती है और वहाँ आग लगने लगती है। आग लगता देख लिली अपने असली रूप में आ जाती है और हमें पता चलता है कि लिली एक एलियन है। ल्यूक उसका ये रूप देखकर काफी डर जाता है और लिली यहाँ से भाग जाती है। खैर, ल्यूक कमरे की आग को बुझाकर कैमरा की रिकॉर्डिंग देखने एलेक्स के पास आ जाता है, लेकिन एलेक्स उसे बताती है कि उसने कैमरा देख लिया था, जिसकी वजह से बंद हो गया और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब ल्यूक ने एक कैमरा लिली के बाथरूम में भी लगा रखा था, जहाँ से उसे पता चल जाता है कि लिली के सीने पर एक निशान है जिसके अंदर से टेंटेकल बाहर आते हैं और वो एलियन धरती पर इंसानों को मारने आए हैं। यानी कि लिली एक एलियन है और वो एलियन धरती पर इंसानों को मारने आए हैं। इसके बाद वो लिली के नहाते हुए की वीडियो क्लिप फ्रांसिस को दिखाता है और उसे उस निशान के बारे में भी बताता है, लेकिन फ्रांसिस उससे कहता है कि तुम किसी के बाथरूम में कैमरा फिट नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। अब फ्रांसिस को लगने लगता है कि ल्यूक दिमाग खराब हो गया है। खैर, वो उसे घर जाने को कहता है। बाहर आकर ल्यूक अमेंडा से बात करता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि अमेंडा ल्यूक की पहली गर्लफ्रेंड थी और उसने ल्यूक को छोड़ दिया। अमेंडा को यकीन था कि ल्यूक बॉबी का मर्डर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम रॉजर को देखते हैं, जो कि कॉन्स्टेंस के साथ था। आसपास काफी ठंड पड़ रही थी, लेकिन कॉन्स्टेंस इस टाइम भी आइसक्रीम खा रही थी। इससे हम समझ जाते हैं कि इन एलियंस को ज्यादा से ज्यादा ठंड चाहिए। अब ल्यूक अपने कमरे में आता है और कोई सबूत को ढूंढने लगता है, इससे उसकी कुछ हेल्प हो पाए। लेकिन रॉजर वहाँ आ जाता है और उससे मना करता है कि वो ये सब ना करे, ये सब पागलपन है। लेकिन ल्यूक जानता था कि वो क्या कर रहा है। अब रात में रॉजर कॉन्स्टेंस को कमरे में बुला लेता है, जहाँ वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है।
लेकिन रोजर उसे ल्यूक के बारे में बता देता है कि वो लिली और तुम्हें एक एलियन समझता है। वो उससे सब सच कहने को कहता है। खैर अब वो उसे सब बताने लगती है। वो कहती है कि हाँ, हम दोनों एलियन हैं और इस धरती पर अपना वंश बढ़ाने आए हैं, जिसमें हमें मेल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन धरती के मेल्स इस प्रोसेस को सहन नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। अगर कॉन्स्टेंस आज रोजर के साथ इंटीमेट हो जाती तो रोजर भी मारा जाता। वो आगे बताती है कि हमारे प्लेनेट की सब फीमेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं और हमारे यहाँ कोई मेल एलियन नहीं बचा, जिस वजह से उन्हें धरती पर आना पड़ा। कॉन्स्टेंस की इच्छा होती है कि वो पहली माँ बने। अब वो रोजर से कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। सब बातें सुनने के बाद रोजर उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ ल्यूक किसी तरह लिली को पकड़कर एक कुर्सी से बांध देता है और उसे सब सच बताने को कहता है। वो उसे गर्म पानी और आग से डराने लगता है, लेकिन तभी वहाँ लिली के साथ एक लड़की आ जाती है और लिली के हाथ पैर खोल देती है। तभी वो बताती है कि कॉन्स्टेंस रोजर के साथ उसके कमरे में है। ये सुनकर वो जल्दी से रोजर के पास आने लगता है। इधर कमरे में रोजर कॉन्स्टेंस से इंसानों की तरह इंटीमेट होने को कहता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटीमेट होने के बाद ही रोजर को कुछ होने लगता है, लेकिन वो अभी भी ठीक था। तभी यहाँ ल्यूक एक फायर गैस लेकर आ जाता है और कॉन्स्टेंस को रोजर से दूर रहने को कहता है। इसी बीच रोजर की हालत खराब होने लगती है और उसके अंदर से स्पाइडर निकलने लगती है। ये देखकर ल्यूक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कॉन्स्टेंस पर फायर स्प्रे कर देता है। इससे कॉन्स्टेंस अपने असली रूप में यानी एलियन बनकर यहाँ से भाग जाती है। अब ल्यूक जल्दी से एलेक्स को एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। इसके बाद वो रोजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही रोजर ल्यूक के सामने दम तोड़ देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अपने दोस्त की मौत से ल्यूक काफी ज्यादा दुखी होता है। कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल के बाहर उससे मिलने अमेंडा आती है। इसी बीच ल्यूक गिबी को कॉल करता है, लेकिन वो नहीं उठाता। लेकिन हम जानते हैं कि वो काफी टाइम पहले ही मर चुका है। तब अमेंडा उसे बता देती है कि गिबी भी मर चुका है और उन्हें उसकी लाश एक कब्रिस्तान में मिली। यह सुनकर ल्यूक इसका जिम्मेदार उन दोनों बहनों को कहता है। तब अमेंडा उससे कहती है कि इस सब में वो उसकी हेल्प करेगी। अब ल्यूक एक शॉप से फायर गन ले लेता है। इधर लिली अपनी फ्रेंड्स के साथ एक जगह पर पार्टी कर रही थी। यहाँ पर दो लड़कों को उन्होंने शिकार बनाने के लिए बुलाया था। यहाँ कॉन्स्टेंस पहुँच जाती है और किसी को इस बारे में नहीं बताती। तभी यहाँ ल्यूक और अमेंडा पहुँच जाते हैं। वो यहाँ एक लड़की पर गर्म पानी गिरा देता है, लेकिन वो एक नॉर्मल लड़की होती है, ना कि एलियन। इसके बाद वो लिली की फ्रेंड नताशा पर फायर गन से अटैक कर देता है और आग की वजह से वो एलियन रूप में आ जाती है और जलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर लिली ल्यूक के सामने आती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उस पर भी फायर गन से अटैक कर देता है। आग की वजह से वो भी अपने असली रूप में आ जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अमेंडा उसे गन से शूट करके मार डालती है। इसी बीच कॉन्स्टेंस दोनों से बचकर नीचे बेसमेंट की तरफ आ जाती है। ल्यूक भी उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जब वो फायर गन से अटैक करता है तो उसके अंदर की गैस खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वो गन नहीं चलती। ये देखकर कॉन्स्टेंस अपने असली रूप में आकर ल्यूक पर अटैक करने लगती है। तभी यहाँ अमेंडा आ जाती है और उस पर गन पॉइंट कर लेती है, लेकिन ल्यूक उसे मारने से मना करता है और यहाँ से एक कुल्हाड़ी लेकर यहाँ के गर्म गैस वाले पाइप को तोड़ देता है। इसमें से गर्म गैस निकलने की वजह से कॉन्स्टेंस भी मारी जाती है। इसके बाद ल्यूक और अमेंडा बाहर आ जाती हैं, जहाँ उनसे फ्रांसिस सवाल करने लगता है। तभी वो दोनों लड़के उसे सब सच बता देती हैं, जो कि लिली की पार्टी में आए थे। इसी बीच यहाँ एलेक्स आती है और ल्यूक उससे अपने प्यार का इजहार करता है। इसके बाद दोनों एक कमरे में आ जाती हैं और इंटीमेट होने लगती हैं। तभी ल्यूक उसके सीने पर भी वही निशान देख लेता है जो कि लिली के था, यानी एलेक्स भी उनकी ही तरह एक एलियन है। ल्यूक उससे कहता है कि वो उसे जाने दे, लेकिन तभी वो अपने अंदर से टेंटिकल निकाल लेती है और वो उस पर अटैक करने लगती है। इसी के साथ साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि हैलोवीन डे वाले दिन जिन दो लोगों की मौत हुई थी उन्हें एलेक्स ने ही मारा था। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का एक सीक्वल भी है, जिसे मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।